वायदा बाजारों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सोयाबीन में निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है। वायदा में सोयाबीन 6300 के स्तर के ऊपर कारोबार करती दिखाई दी। दरअसल सोयाबीन की आवक मंडियों में एक बार फिर से काफी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान सस्ते में बिकवाली करने से बच रहे हैं और मंडियों में आवक काफी कमजोर है। किसानों ने एक बार फिर से सोयाबीन का स्टॉक करना शुरू किया है। सोयाबीन दाना की कमी की वजह से प्लांट वाले अपनी पेराई क्षमता के 30-35% क्षमता का ही उपयोग कर पा रहे हैं। सोयाबीन की किल्लत के बीच सोयाबीन तेल तिलहन के भाव में सुधार देखा गया है। वहीं आगे चुनाव है और सरकार की पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आम जनता को खाद्य तेल कम कीमतों पर मुहैया करवाए, और सरकार इसके लिए काफी प्रयास भी कर रही है और करे भी हैं। लेकिन इसी बीच ये बात भी विचार करने वाली है कि भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर हुआ नहीं है। भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों का आयात विदेशों से करता है। जब भी विदेशों में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आती है या मंदी आती है, उसका असर भारतीय तेल तिलहन के बाजार पर भी मंदी तेजी में देखने को मिलता है। विदेशों में सोयाबीन की फसल को लेकर अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं सोपा के अनुसार इस बार भारत में सोयाबीन की फसल पिछले साल के मुकाबले लगभग 14% ज्यादा रहने का अनुमान है। उधर भारतीय पोल्ट्री इंडस्ट्री में कुछ बर्ड फ्लू के केसेस देखने को मिले हैं, जिससे सोयाबीन की मांग में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। वहीं सरसों का स्टॉक पूरा खत्म हो चुका है और फसल मार्च के महीने में आएगी। तब तक खाद्य तेलों की सप्लाई थोड़ी टाइट रह सकती है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। सरकार भी खाद्य तेलों की कीमतों को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारतीय खाद्य तेलों की कीमतें विदेशों से तय होती है, जहां अभी तेजी बनी हुई है। सोयाबीन में भी आगे तेजी देखने को मिल सकती है। किसानों ने अपना माल फिर से होल्ड करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।